और रूबीना अभिनव करते एक दूसरे से, देखो कैसे पप्पी दे रहे थे, रूबीना पप्पी दे रही थी अभिनव को। रजवा 30 मिनट चलाया इस साइकिल जस्मीनिया के लिए, ये बिकसवा भी तो यह कर रहा है, जजवा भी, दोनों जन काहे ऐसे करा, बाहर की बात बाहर रहने दो। राखी का पति होकर लेकर लिखा है, हम देखे तो कभी नहीं होगा, लेकिन अब कहा बोला है ईद पढ़ना, वो जब रो रो के बताएगी ना, क्योंकि कल तो कैसे हो गए एकदम, हाँ वो हमारे बरगद वाली चुराई नौकरे अंदर आ गई हमको लगा। निकिया के निकिया उनको जी बोलते हैं निकिया, अरे खिसियोनी भी नहीं कम बार हो चाहिए, देखिए राहुलवा भी नहीं जीता, हम भी बाहर हो गए, अगर हम रहते तो शायद हम जीत जाते। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके आवेला है, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला, बिग बॉस के घर में आ रहे हैं जिंगल बेलवा, सही झुला रहे हैं सबके लिए चिट्ठिया। अब देखते हैं काम होने वाला है, कौन रोएगा कौन हंसेगा। हमने तो झुमरी भाभी आ गई, हम बोले थे ना कि आ जाएंगी, हम तो बोल भी किए थे कुछ दिन के लिए चली गई घर। तुम तो गलत बोली, हम तो गए थे अपने हस्बैंड के साथ घूमने, उनको घुमाने लेके आए थे लुनावला, वहीं से तो लाई पहनाया। तो इन लोग बोला गुलाबों को जानती हो ना, गुलाबों को बताई हमने कि वो तुम्हारा झगड़ा हो गया रहे तुम्हारी सास से तो तुम चली गई रही। कहता काम ही है यहाँ का बात वहाँ करना सब फैलाना, हम तो उसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ छोड़ दो जी जी, ये बताओ ये इतना खूबसूरत सजाए कैसे तुम? वो हमारे वो आए थे देवर भी आए थे, सब मिल के हम सजाए हैं, वो का बिग बॉस के घर में हो रहा है तो हम सोचे हम वो मनाते हैं, और उन्हें देवर बोले तैयार होके बैठो, वो जो जो आएंगे ना वो संता बाऊ जी, वो हमारे लिए कुछ लेके आएंगे गिफ्ट, तो हम सोचे कि हम तैयार होके रह जाए। हमारी ना हमारी ननदिया पे, हाँ तुम कितनी प्यारी लग रही हो, कितना अच्छा लग रहा है, सब कची कची सब हेलमेट अच्छी लग रही है जी जी, हाँ अच्छा लग रहा है, उनके भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बोले क्या ठीक लग रही हो, अच्छी तो बोले नहीं लेकिन ठीक बोले, तो हम बोले चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलते तब बोले तो सही। हमरो एक बिस है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करे, खूब प्यार करे, वो जैसे वो रूबीना अभिनव करते एक दूसरे से, देखो कैसे पप्पी दे रहे थे, रूबीना पप्पी दे रही थी अभिनव को, तो हमको ऐसा भगवान से ऐसा हम संता जी से बोलेंगे, वो बाबूजी तनी इनका भी इनके पति के साथ सब अच्छा कर दो, खुश खुश हो जाए सभी। और तुमको क्या चाहिए, तुम तो वही चाहती हो ना कि बिग बॉस में जिसका तुम सपोर्ट करी हो जीते, वही जीते बस, तो वही जीतेगा, तुम्हारे लिए वो है। लेकिन हमके तो बड़ी मजा आ रहा है इस साइकिलवा चला चला के, इस सब एक दूसरे को जो खत दे रहे हैं, सब एक दूसरे के कबूतर बन गए एकदम एकदम, कैसे वो डाकिया वाला कैसे साइकिल चला के आता है। सुना रहे कि ये जजवा 30 मिनट चलाया इस साइकिल जस्मीनिया के लिए, अब कितना अच्छे से जब उसको खत देता है तो कितना अच्छे से, वो बड़ा इमोशनल हमको लगता है, जब भी बात आती है ना, जैसे पवित्रा के लिए कैसे अपना सब तोड़ दिया था, वो जो दिल के करीब था सब तोड़ दिया था उसके लिए, तो उसको पता है कब कहाँ ही करना है। अब बड़ी अच्छा लगा, लेकिन इन लोग बहुत दिन के बाद इन लोग का जो भी चीज है ना थोड़ा सा ठीक हो गया, हमको तो खुशी हुआ। आई रखिया के रुबिनिया दी, रुबिनिया के रखिया दी, जस्मीनिया बोली यू लव मी ना, तो बोली हाँ आई लव यू टू दी, हाँ गले लगी है, पहले ही झगड़ा झगड़ा हुआ विकास और जजवा के बीच में, फिर बाद में जब वो खुशी की लहर आई हमको बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी जी, लेकिन इसका भी अफसोस है कि इन लोग अलिया राहुल निकिया के लोग को ना मिली है जी जी, कुछ मिली है लेकिन जेल मिली है, अब क्या करें, शैतानी करता है, क्या जरूरत रहे बात करे का बाहर का, सब ये करके ना अंदर का माहौल खराब करता है। ये बिकसवा भी तो यह कर रहा है, जजवा भी, दोनों जन काहे ऐसे कर रहा, बाहर की बात बाहर रहने दो, काहे को घर की बात घर में लाते हो, बाहर की बात दंगा तो होएगा। हाँ जी जी, आज क्रिसमस का दिन था, कितना अच्छा से लोग सब मिल के ही करता, अब लोग तीनों जन जेल में बंद रहेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये तो बिग बॉस का घर हुआ ऐसा है कि सबको खुशी नहीं देते एक साथ, किसी को गम तो किसी को खुशी, ये घर ही ऐसा बात। हाँ जी, लेकिन बिकसवा के भी तो कुछ ना मिला, वो कप्तान है बस इसीलिए ओके छोड़ दिया गया। हाँ वो भी अंदर ही रहता, तो कोई बात ना है जी जी, अब सबके मिल गया ना तो हमें बड़ी अच्छा लगा, हम तो खाली इंतजार कर रहे हैं आज का देखेला कि काका सबको लिखा है, वो राखी का पति होकर लेकर लिखा है, हम देखे तो कभी नहीं होगा, लेकिन अब कहा बोला है ईद पढ़ना, वो जब रो रो के बताएगी ना, क्योंकि कल तो कैसे हो गए एकदम, हाँ वो हमारे बरगद वाली चुराई नौकरे अंदर आ गई हमको लगा, एकदम वैसे ही कर रही थी। सच बताया, हमें इतना डर लग रहा था कि कल हम इन लोग से बात किए,
ये जनता लोग से बात किया कि जीजी रहती तो हमरे हम साथे देखते का है कि हम क्यों के देख के ना बड़ी डर लग हम हूं के डर लगी का लेकिन वो हमरे थे साथ में था डर भाग गया हमरा लेकिन सब खूब भयानक ये एक्टिंग की है ये बड़ा अच्छा एक्टिंग की सबके बड़ी अच्छा लगा है हां सब डर गए हिल गए सब वो सबको लगा पहले की मजाक कर रही मजाक कर रही लेकिन एकदम सही दिखा रही देखो अभी भी मेरे रग रग में हां हमको ऐसे लगता है वो ये ऐसे इसीलिए कि वो राहुल आके उसको बोला ना माजवना कि भाई चीप ऑडियंस चीप फैंस चीप सेलिब्रिटी सब दिखा दी और तुम जनता को तुम चीप कैसे बोल सकते हो तो और तुम रखिया के भी कैसे बोल सकते हो अपने आप को देखो ना तुम काहे उसके बारे में ऐसा बोलोगे हमको बहुत बुरा लगा मन कर रहा कि उसका मुंह फोड़ दे सच्चे जीजी पहली बार हमने गुस्सा आया खुद गुस्सा आया राहुल बाबू पता नहीं अपने आप को क्या समझता है अरे तुम होगे लेकिन दूसरे को काहे को कर रहे हो गिरा रहे हो भाई पर हम कहने राहुल वैद्य के लिए कल बड़ी खराब लगा हां वो अर्सिया अर्सिया ऐसे पर हमको अच्छा लगा पता है क्यों काहे पता है वो ऐसे होता है कि ऐसे पहले ही पता चल जाता है कहाँ होने वाला है हाँ। लेकिन वो पलट दी कुछ तो मजा आ रहा है जी वो बोली थी कि वो फिलिप मार देगी साथ बैठ के तो ठीक है तुम फिलिप मार दिए हो लेकिन इतना एकदम उसको अंत में पहुंचा के वो कुछ ही बोलते हैं एकदम उसके मुंह से निवाला छीन ऐसे ही तो उसका तो बड़ी निकिया के निकिया वो कुछ ही बोलते हैं निकिया अरे खिसियोनी भी नहीं कम बार हो चाहिए देखिए कि राहुलवा भी नहीं जीता हम भी बाहर हो गए अगर हम रहते तो शायद हम जीत जाते अरे कल रलुआ कैसे बोला था ये आपा आके समझाएंगी ना आपा हमको तो बड़ी हंसी आई थी बार बार उसका आपा बोलता है पर रुबीना हमको कल लगी वो नहीं चाहती थी ये रलुआ कैप्टन बने तो जाके फटाफट अर्सिया को बोले थे आप सही बोल रही हो तुम सही की हो जबकि पहले से उसको गलत लग रही थी अब पर क्या करे उकरा गेम है तो गेम तो खेलेगी वो सही 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 खेल गई कोई बात नहीं है भाई अपना वो इमेज भी तो सब कह रहा है तो वो भी सही है कहीं ना कहीं जी खैर छोड़ो चलो हमको जायला है उनके लिए हम हमारी ननद ने हमको सिखा रही है वो केकवा बेक हाँ आज क्रिसमस है तो केक बनाओ केक खिलाओ उनके लिए बनाएंगे हम वो जाते हैं हम तो क्या दाल चावल बनाएंगे और अच्छी सी पनीर वाली भाजी बना देंगे हाँ जी जी चलो चलो मैरी क्रिसमस मैं हूँ ज्योति पाठक आप सबकी झुमरी भाभी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू और मैं हूँ शाइस्ता आप सबकी रसीली भाई अब प्रोमो आपने देख ही लिया डेफिनेटली और हमने भी अपने अंदाज में आपको बता दिया कुछ प्रोमो की खास बातें तो कितनी एक्साइटमेंट है क्रिसमस घर के अंदर रौनक लाने वाला है जो झगड़े झंझट झंझट चल रहे हैं तो उससे अलग हटके कुछ होने वाला है लोगों के आंखों में आंसू आएंगे हंसी आएगी खुशी के आंसू इस तरीके से मंजर होने वाला है एपिसोड का तो सबके बीच में घर के सदस्यों में जो भी कहीं ना कहीं अनबन है शायद ये एक मौका है कि सब एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं और शायद फ्रेश स्टार्ट भी हो जाए यू नेवर नो तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है आप सबको क्या लगता है राहुल एली और निकी के साथ जो हो रहा है जेल के अंदर क्या वो सही है या गलत जो भी कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की हमारी मसालेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना थैंक यू